अमसान पंद्रहवां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बाइस है। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। सादिक के घर में बड़ा खजाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। दानाओं के लब इल्म फैलाते हैं पर अहमकों के दिल ऐसे नहीं। शरीरों के ज़बीहे से खुदामंद को नफरत है पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। शरीरों की रविश से खुदामंद को नफरत है पर वो सदाकत के पैरों से महापत रखता है। राह से भटकने वाले के लिए सख्त तादीब है और तंबी से नफरत करने वाला मरेगा। जब पाताल और जहन्नम खुदामंद के हजूर खुले हैं तो बनी आदम के दिल का क्या जिक्र। ठट्टा बाज तंबी को दोस्त नहीं रखता और दानाओं की मजलिस में हरगिज नहीं जाता। खुश दिली खंदा रोई पैदा करती है पर दिल की गमगीनी से इंसान शकिस्ता खातिर होता है। साहिबे फहम का दिल इल्म का तालिब है पर अहमकों की खुराक हमाकत है। मुसीबत ज़दा के तमाम आयाम बुरे हैं पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। थोड़ा जो खुदामंद के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। कामिल की राह कांटों की आड़ सी है पर रास्तकारों की रविश शाहरा की मानिंद है। दाना बेटा बाप को खुश रखता है पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। बेअकल के लिए हमाकत शादमानी का बाइस है पर साहिबे फहम अपनी रविश को दुरुस्त करता है। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते पर सलाहकारों की कसरत से कयाम पाते हैं। आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है और बा मौका बात क्या खूब है। दाना के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है ताकि वो पाताल में उतरने से बच जाए। खुदामंद मगरूरों का घर ढा देता है पर वो बेवा के समाने को कायम करता है। बुरे मंसूबों से खुदामंद को नफरत है पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है पर वो जिसको रिश्वत से नफरत है जिंदा रहेगा। सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। खुदामंद शरीरों से दूर है पर वो सादिकों की दुआ सुनता है।
आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरहबी पैदा करती है। जो जिंदगी बख्श तंबी पर कान लगाता है, दानाओं के दरमियान सकूनत करेगा। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है, पर तंबी पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। खुदामंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है।